फाइनली हरिओम चाय दुकान से हमने चाय ले लिया है। मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप है, तो पीछे देख सकते हैं मोती झील है, महात्मा गांधी चरखा पार्क है, यहीं पे डिनर हो रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं मोतिहारी में मॉर्निंग में उठ चुका हूँ। हम लोग अभी थोड़ा सा वॉकिंग करके चल रहे हैं लोग बैग, और आज भी मैं मॉर्निंग में उठ चुका हूँ कि विदाई हो रहा था, तो हम लोग नींद ऑटोमेटिक सब कोई जा रहा था, तो साथ में हम लोग भी निकल चुका लोग। तो देखिए चाय की दुकान पर आया था लोग, और हम लोग चाय ले लिए हैं। सुबह में 6 बजे मोतिहारी के सड़कों पर देख सकते हैं, यहाँ पे सामने जो है हम अभी जहाँ पे हैं वो है मीना बाजार गांधी चौक। हम लोग अभी वॉकिंग करके ही चल रहे हैं, और पीछे देख सकते हैं मोती झील है। हम लोग अभी मोती झील के ब्रिज पे चल रहे हैं लोग। मोती झील में एक तरफ पानी है और एक तरफ देखिए पूरा जलकुंभी लगा हुआ है, देखो पूरा दलदल होगा। भाई लोग हम लोग थोड़ा सा आराम कर लिए लोग, उस टाइम 6 बजे आए थे लोग। 1.5 घंटा आराम करने के बाद हम लोग फिर से मार्केट में निकल चुके हैं लोग, और फिर से हम लोग बीच मार्केट में पहुँचे हैं लोग। देख सकते अभी नहाए भी नहीं है लोग, और आप देख सकते हैं सुभाष पार्क अभी गेट बंद है। चरखा पार्क लिखा हुआ है इसमें, महात्मा गांधी चरखा पार्क, और ये देखिए महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक, ये भी पार्क है लेकिन अभी बंद है। भाई लोग हम यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, वहीं पे जा रहे हैं, चलिए लेकर चलते हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए। क्या नाम है चाय का? हरी ओम चाय दुकान। और देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है भाई चाय पीने के लिए, केवल आ चुके हैं हरिओम चाय दुकान पे, देखते हैं कैसी चाय लगता है। फाइनली हरिओम चाय दुकान से हमने चाय ले लिया है, और मेरे हाथों में भाई चाय जबरदस्त है भाई। सुबह में जहाँ पे चाय पिए थे उससे तो बहुत अच्छा है, चाय पी रहे थे। और देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है भाई। तो ये आप स्कूल से पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ाई हुआ है आज? पढ़ाई नहीं हुआ, खाली लिखे हैं। क्या लिखे हैं बताइए? पढ़ाई नहीं हुआ, खाली लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं? जो लिखे हैं उसको बताइए। एलिफेंट का बताइए। आज स्कूल में क्या क्या हुआ बताइए? क्या क्या हुआ आज स्कूल में बताइए? क्या पढ़ी है बताइए? क्या घोटे और हम लोग मार्केट में आए हैं लोग, कुछ काम था, बाइक से ही चल दिए हैं और ट्रिपल लोडिंग है। देखिए अगर प्रॉब्लम कहीं होगा तो बाइक नहीं देखा जाए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ट्रिपल लोडिंग नहीं चला रहा चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिपल लोडिंग जा रहे हैं। और फाइनली हम नहा धो के फ्रेश होकर के चल दिए हैं, वहाँ से हम निकलेंगे फिर बस स्टैंड से, हमको मोहम्मदपुर तक जाना है, वहाँ पे फिर निकलेंगे घर के। देखिए चल दिए हैं, सोचे कि थोड़ा नहा के फ्रेश हो जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा महसूस हो। टेम्पू से जा रहे हैं क्योंकि विकास भैया के पास थोड़ा टाइम नहीं था, और यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ बस स्टैंड। छ
कटौनी बस स्टैंड में पहुँचे अभी, और यहाँ से आपको हर एक जगह की बस मिल जाएगी। देख सकते हैं बहुत सारा बस है चारों तरफ। मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, पानी है इसलिए थोड़ा सा आगे चल के फिर आगे से पटके जा रहे हैं। देख लीजिए कितना चारों तरफ, पीछे देखिए। स्टिंग तो मिला नहीं, थम्सअप ले लिया है, और यहाँ पे 20 रुपये दाम है इसका, लेकिन 25 रुपये लिया गया है। और सामने हमारी बस लगी हुई है, यही बस जाएगी मोहम्मदपुर रामना एक्सप्रेस। अभी लग रहा है थोड़ा सा टाइम है, फाइनली आ चुके हैं भाई बस के अंदर। देखिए फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ। यहाँ से लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटा लगेगा अभी जाने में, डायरेक्ट वहीं पर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। अरे बाबू क्या हुआ कि मोहम्मदपुर का जो मेन जो ओवर ब्रिज है जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे छोड़ दिया है, तो मुझे थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा थोड़ा दूर। आगे सामने दिखाई दे रहा है, फाइनली मैं मोहम्मदपुर पहुँच चुका हूँ और वहाँ से बाइक लेकर फिर। और फाइनली भाई लोग अभी लगभग शाम के 5:30 हो चुका है और मैं अभी मोहम्मदपुर हूँ, और यहाँ से मैं अब बाइक से सीधा निकल रहा हूँ घर के लिए, और सब कुछ रेडी करके सीधा मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। तो ये देखिए सामने मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ थोड़ा सा तेल डलवाने के लिए। इसी रास्ते से निकल चुका हूँ मैं शॉर्टकट, इसी रोड में सब है, और देख सकते हैं ये ब्लॉक और रजिस्ट्री ऑफिस ब्लॉक है, थाना है, तो मैं इसी रोड से शॉर्टकट निकल चुका हूँ। सीधा निकलते हैं, आगे सिधवलिया बाज़ार पड़ेगा तो वहीं पर रुकेंगे। और भाई लोग हम सिधवलिया पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बोर्ड भी लिखा हुआ है, और हिधवलिया बाज़ार पे चीनी मिल है, जिसका चीनी हमारे ख्याल से विदेशों में भी जाता है यहाँ का चीनी, कि चल के वहाँ आपको उस चीनी मिल को दिखा सकूँ, कभी टाइम निकाल के अच्छे से उसको दिखाऊँगा। तो चलिए मझवलिया पहुँचे लो भाई मोमोज खाने के लिए। देख लीजिए जस्ट अभी और 8 बज रहा है, देखिए पीछे अभी जस्ट पहुँचे हम लोग तुरंत, फाइनली आ चुका है। चलिए मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब खाऊँगा तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। तो फाइनली अब हम लोग मोमोज खाने के बाद वापस चल दिए हैं हम लोग। तो भाई लोग जन्ने में पहुँचे हुए हैं, यहीं पे डिनर हो रहा है नाइट का। तो चलिए भाई डिनर के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दीजिए, बाय बाय।